नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे ब्रेड का चमचम। ये चमचम स्वाद में बिल्कुल ही अलग होते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ब्रेड का चमचम बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कप चीनी। ये ग्राम में लगभग 250 ग्राम है और इसी में डाल देते हैं हम एक कटोरी पानी। ये 200 ग्राम पानी हमारा है। तो चलिए इसका चाशनी बनाते हैं। तो इसे लगातार चलाते हुए चीनी को हम मेल्ट करेंगे। तो यहाँ हमें आँच मीडियम रखना है और मीडियम आँच पर से हम चीनी को पकाएंगे। तो अच्छे तरह से चीनी हमें पका लेना है। एक तार का चाशनी इसको हम बनाएंगे, बहुत ही हल्का तार का इसे हम चाशनी बनाएंगे। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 250 ग्राम मावा और इसको हम अच्छी तरह से तोड़ कर डालेंगे। तो इनको हमें हल्का भूनना है, ज़्यादा इसको हम भूनेंगे नहीं, बस इसे हम हल्का भूनेंगे। तो यहाँ हमें आँच धीमा रखना है। तो इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा सा हम भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मावा है मेल्ट हो रहा है। तो इसका कलर हम चेंज नहीं करेंगे, बस इसी तरह मिला लेंगे मावा को। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मावा जो है मेल्ट हो गया है और इसे हमने 3 से 4 मिनट पकाया है। तो स्टफिंग के लिए मावा हमें इसी तरह चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मावा हमारा तैयार है। अब यहीं पर हम गैस को बंद कर देते हैं, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ चाशनी को देख लेते हैं। तो चाशनी हमारी लगभग 5 मिनट पकी हुई है, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे हम चेक कर लेते हैं देखकर। मैं यहाँ पर उंगली में लगा रही हूँ तो देखिए हमारा जो है वो तार नहीं बन रहा है। बहुत हल्की से हमें तार बनाना है। तो इसे 1-2 मिनट और पकाएँगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा चेक कर ले रहे हैं और तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा तार बन रहा है, यानी चाशनी हमारी बन गई है, तैयार हो गई है। तो बहुत ही हल्का तार बनना चाहिए। तो चाशनी हम बना चुके हैं और यहाँ पर हमारी जो है मावा ठंडी हो चुकी है। तो इसमें हम थोड़ा सा कलर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का फूड कलर ले रही हूँ और इस तरह से मावे का कलर जो है चेंज हो जाएगा। अब इस तरह देखने भी अच्छा लगता है। तो इस सब को हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट का यूज कर सकती हैं। तो इन सब को अच्छी तरह हम मिला लेते हैं। तो आप देख सकती हैं यहाँ इस मावे में अच्छा सा कलर आ गया है। तो अभी हमारी मावा जो है ठंडी हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं, हल्का सा गुनगुना टाइप का है। इसी में हम डाल देते हैं चीनी। तो मैंने यहाँ पर लिया है पीसी हुई चीनी। तो मैं यहाँ 2 चम्मच चीनी का यूज कर रही हूँ। अगर आप मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हो तो चीनी डाल सकती हैं। अब इन सब को अच्छी तरह हम मिला लेंगे। तो स्टफिंग के लिए हमारा मावा जो है तैयार हो गया है। तो मावा अच्छी तरह से ठंडी भी हो गई है हमारा। तो ब्रेड का चमचम बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड के किनारे को काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 8 ब्रेड लिया है और इन सब को अच्छी तरह से हम किनारे से काट लेंगे। इनका किनारा हम निकाल देंगे। तो इसी तरह सारे हम ब्रेड काट लेते हैं। तो यहाँ ब्रेड को भिगोने के लिए मैं ले रही हूँ दूध। तो मैं एक चौड़े बर्तन में दूध को डालूँगी और उसी में ब्रेड का डालकर अपने हाथों से निचोड़ना है। इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे एक्स्ट्रा दूध को और बीच में हम स्टफिंग को भरेंगे। तो मैंने 1 चम्मच स्टफिंग डाला है इसमें और चारों तरफ से इसे मोड़ कर फोल्ड करेंगे। अब हाथों से दबाते हुए इसे हम एक आकार देंगे। तो मैं चमचम का आकार दे रही हूँ। तो इसी तरह सारे ब्रेड को हम दूध में भिगो कर अच्छी तरह से हाथों से निचोड़ देंगे एक्स्ट्रा दूध और इसी में हम बीच में भर देंगे मावा को
और साइड रोल से हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए किनारे से हमें मोड़ना है, बीच में ले आकर इसे फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा जो दूध है उसे हम निचोड़ लेंगे। तो इसी तरह लंबे लंबे आकार में से हम बनाएंगे, क्योंकि चमचम का आकार इसी तरह का होता है। तो इसी तरह सारे हम ब्रेड को बना लेंगे। तो मैंने यहाँ 250 मावा का यूज किया है, इसमें हमारे 8 ब्रेड रोल बनकर तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से ब्रेड का चमचम बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इसे तलने के लिए हम इसमें डालेंगे तेल। तो मैंने यहाँ रिफाइन तेल का यूज़ किया हुआ है। तो और यहाँ पर देखिए तेल हमारा अच्छा तरह से गर्म हो गया है, इसी में हम चमचम को डाल लेते हैं। तो यहाँ गैस का आँच तेज रहना चाहिए, नहीं तो अगर मीडियम आँच पर आप तलेंगी तो जो हमारे रोल हैं ब्रेड का उसमें जो है तेल बहुत जल्दी सूख जाएंगे। तो इसे चलाते हुए हम तल लेते हैं। तो इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ चमचम जो है हम तल लिया है अच्छी तरह से, इसका कलर जो है चेंज हो गया है। और जो एक्स्ट्रा तेल उसे निचोड़ लेते हैं। तो देखिए हमने सारे चमचम को तल लिया है और बहुत ही अच्छा चमचम हमारा तैयार हुआ है। तो जो चाशनी हमने बना कर रखा था उस चाशनी में हम चमचम को डाल देते हैं। तो यहाँ पर चाशनी हमारी थोड़ी गर्म होनी चाहिए, तो मैंने चाशनी को थोड़ा गर्म कर लिया है और उसी में हम डाल देते हैं सही ब्रेड के चमचम को। और यहाँ 5 से 7 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे चाशनी में, उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नारियल का बुरादा और उस सब हम चमचम को इसमें रोल करेंगे, चारों तरफ से हम बुरादे को लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकती हैं कि यह चमचम जो है बहुत अच्छा तैयार हो गया है और बुरादे को अच्छी तरह से हम लगा लेते हैं, कोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चमचम जो है बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा रेसिपी हमारे इसका बना हुआ है। तो दोस्तों आप ब्रेड का चमचम एक बार बनाकर जो ट्राई कीजिए, बहुत ही जल्दी बन जाता है और स्वाद बहुत ही अलग होता है, अच्छा लगता है खाने में। तो आज का रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।